Hey guys, welcome back to our YouTube channel, Reading With Us. यार पापा, दिव्य प्रकाश दुबे के अनुसार वो कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, गजेंद्र सिंह के ऑफिस में गहमा गहमी का माहौल था और ऑफिस के बाहर खड़े होने वाले तमाम अधिकारियों के ड्राइवर जी समझ नहीं पा रहे थे कि कोई इतनी बड़ी पोस्ट पर होते हुए पढ़ने के लिए कॉलेज क्यों जाएगा। ड्राइवर तो ड्राइवर, ऑफिस में भी कोई समझ नहीं पा रहा था। गजेंद्र अपने बॉस से मिलने के लिए बाहर इंतजार कर रहा था। अंदर से बुलावा आने पर वह चीफ सेक्रेटरी के सामने जाकर बैठा। गजेंद्र अपने बॉस का ब्लू आइड बॉय था। चीफ सेक्रेटरी मिस्टर सुब्रमण्यम ने खुद चाय बनाई। चाय में चीनी के लिए इशारे से पूछा। गजेंद्र ने मना किया। आई थिंक योर डिसीजन इज करेक्ट, वेल ऑल द बेस्ट फॉर स्टडीज, और अगर कॉलेज में मन ना लगे तो बता देना, पहले बुला लेंगे, सुब्रमण्यम ने मुस्कुराते हुए कहा। सर थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, गजेंद्र एकदम फॉर्मल से अंदाज में बात कर रहा था। सुब्रमण्यम चाय पीते हुए कुछ सोच रहे थे। चाय ख़त्म करके वह बोले, जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी तब हमारे चीफ सेक्रेटरी जोसेफ साहब एक बार दौरे पर आए। वह चाहे जितने भी बिजी हो, अगर कोई नया अधिकारी उनसे मिलने आता था तो हमेशा 5 मिनट का ही सही समय ज़रूर देते थे। मैंने नया नया ज्वाइन किया था, उन्होंने मिलने पर मुझे एक चीज़ कही थी जो मैं कभी नहीं भूला। उन्होंने कहा था कि नौकरी में हर दिन ऑफिस ऐसे आना है जैसे कि वह नौकरी का पहला दिन हो। अपने शहर में जो भी करना, लेकिन कोई ख़राब खबर मुझ तक नहीं आनी चाहिए। उनको इंक पेन से लिखने की आदत थी। वह अपने पास एक नए पेन का डब्बा रखते थे। जब कोई नया आईएएस अधिकारी मिलता तो वो उनको पेन जरूर गिफ्ट देते, ताकि रोज़ फाइल साइन करते हुए अधिकारी संभल कर साइन करें। आई हैव रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि उनकी एडवाइस काफ़ी प्रोफाउंड थी। तुम्हारी एजुकेशन लेब का अप्रूवल करके भेज दिया है। सुब्रमण्यम साहब ने सामने रखा हुआ एक पेन का डब्बा गजेंद्र की तरफ बढ़ाया। अविश्व लक। गजेंद्र अपनी सीट से उठा, उसने पेन को ध्यान से देखा, थैंक्स कहा और कमरे से निकल गया। कमरे से निकलते हुए उसने मनोज को फ़ोन किया, मिल गया अप्रूवल, बहुत बढ़िया, उधर से आवाज़ आई। सो गाइस, आगे का स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।